अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने शेकर के अंदर 1/2 लीटर मिल्क ले लिया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर डाली है। चीनी लेके मैंने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया था। अब मैं इसके अंदर 10 टेबलस्पून माइलो के डाल दूंगी। 10 टेबलस्पून हीप्ड माइलो डाला है मैंने इसके अंदर। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस बात का ख्याल कीजिएगा कि माइलो में ऑलरेडी शुगर होती है, आप शुगर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं शेकर को ऑन कर दूंगी। आप ये देख सकते हैं शेकर में कितने अच्छे से कोल्ड माइलो शेक रेडी हो रहा है। आपने इसको 5 मिनट तक चलाना है ताकि इसके ऊपर अच्छी सी क्रीम आ जाए। आप ये देख सकते हैं कोल्ड माइलो शेक बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके ऊपर कितनी अच्छी सी क्रीम आ गई है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इस तरीके से मैं सारे ग्लास फिल कर लूँगी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना यमी सा कोल्ड माइलो शेक रेडी हो गया है। ये वही कोल्ड माइलो शेक है जो आप लोग मैकडोनल्ड से लेकर पीते हैं। और आप देख सकते हैं घर में बनाना कितना आसान है और कितनी जल्दी बन जाता है। मैंने कोल्ड माइलो शेक को ग्लासेस में पोर कर दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा माइलो स्प्रिंकल कर दूँगी। आप किसी भी चीज़ से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप इसके ऊपर स्पून की मदद से भी चॉकलेट माइलो स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी अच्छी सी क्रीम आ गई है और ये बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट चंक्स डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको क्रीम से थोड़ा और डेकोरेट कर लूँगी ताकि ये और यमी और टेस्टी लगे। मेरे घर में तो ये शौक से पिया जाता है। आप एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिलीशियस होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। इन ग्लासेस में मैंने बच्चों के लिए कम माइलो का इस्तेमाल किया है। आप घर में जब बच्चों को इस तरह के शेक्स बना के देंगे जो देखने में बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लगेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे तो बच्चे इसको ज़रूर पियेंगे। आप देख सकते हैं क्रीम डालने से ये शेक कितना यमी लग रहा है, कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। आप भी इसी तरीके से अगर इसको मज़ीद टेम्प्टिंग बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल के जो स्ट्रॉज मिलते हैं उसका एडिशन कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों को ये और अट्रैक्टिव लगे और वो शौक से पी लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल कुकिंग विद राज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।